रविवार को 30 जून को जम्मू से शुरू हुई श्री अमरनाथ जी की यात्रा के तीसरे दिन आज अब तक का सबसे बड़ा जत्था कश्मीर घाटी की ओर रवाना किया गया। आज तीसरे दिन 5,000 श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर में ले जाया गया, जहां से ये सभी शिव भक्त कल यानी बुधवार को बालटाल और पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना होंगे। भगवती नगर स्थित आधार शिविर से आज कुल 5,009 श्रद्धालु 243 छोटी बड़ी गाड़ियों में भगवान शिव के जयकारों के बीच यहां से घाटी की ओर रवाना हुए। इनमें से 2,239 श्रद्धालु बालटाल मार्ग और जबकि 3,670 शिव भक्त पहलगाम मार्ग से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की ओर रवाना होंगे। हम ये आशा लेके आए हैं कि ये एक विचित्र चीज़ है जो देखेंगे और मतलब दर्शन करेंगे अद्भुत, और वो हमारे को सारे वरदान मिलेंगे, कोई ना कोई वरदान मिलेगा हमको भी। आज जिंदगी पूरी गुजरी और इतने दूर कभी आए नहीं। यहाँ के बंदोबस्त बहुत अच्छे हैं आज के युग के अनुसार, और बहुसंख्यक देश में तो इतना हो जाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका उपयोग करने वाले विधिवत पंक्ति लगा के करें तो सबको बहुत बराबर समान फायदा मिले, समान सुविधा मिले। आपको कहीं नहीं, जब तक हमारा शरीर अच्छा है जब तक भगवान के यहाँ आना मांगता है, ऐसे हमारी इच्छा है। नहीं, बहुत अच्छे है यहाँ सब, बहुत अच्छा है इधर, सुख सुविधाएं बहुत अच्छा, कोई तकलीफ नहीं हमको, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा मन कर रहा है इधर आने के लिए। यात्रा शुरू होने के बाद हमको आने की बहुत इच्छा होती है, कोई भी काम रहा तो इधर आने के लिए बहुत मन करता है, इसलिए सब काम छोड़ के हम भगवान के इधर आ सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश से 15 साथियों के साथ आए हैं सीतापुर जनपद से। हम भोले बाबा के दरबार में आए हैं, सभी मनोकामनाएँ हमारी पूरी हों और हमारा देश और प्रदेश खुशहाल रहे, यही मनोकामना लेकर आए हैं।